आईएएस बनने का सपना देखने वाले लाखों बच्चे हर साल इसकी कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। देश में कोचिंग का कारोबार करोड़ों रुपए का है। बच्चों के सुनहरे भविष्य के इसी सपने की आड़ में लूट का बाजार भी खूब गर्म होता है, लेकिन अब इस पर नकेल कसने के लिए सरकार आगे आ रही है। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में इसे लेकर कुछ गाइडलाइंस तय की हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार की ओर से कदम हाल ही में देश के 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजे जाने के बाद उठाया गया। सरकार ने जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा था उनमें अन अकेडमी, बायजूस आईएएस, बाजीराव रेड्डी के साथ साथ डॉक्टर विकास कुमार दिव्य कीर्ति का दृष्टि आईएएस भी शामिल है। सीसीपीए की गाइडलाइंस के मुताबिक आईएएस कोचिंग सेंटर परीक्षा में सफलता को लेकर सक्सेस रेट के झूठे दावे नहीं कर सकते, उन्हें 100% सिलेक्शन जैसे दावों से बचने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, कोचिंग संस्थानों के अब अपने यहाँ से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या को लेकर झूठे दावे से बचना होगा। उन्हें ऐसी किसी भी बिजनेस प्रैक्टिस से बचने के लिए कहा गया जो छात्रों को भ्रमित करती है। सीसीपीए के अपनी गाइडलाइंस ने आईएएस कोचिंग को विज्ञापन जारी करने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनकी लिस्ट भी जारी की है। अब से कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर अपने यहाँ से सिलेक्ट होने वाले किसी छात्र को विज्ञापन में जगह देते हैं तो उन्हें उसका नाम, फोटो, उसकी रैंक, उसके द्वारा चुने गए कोर्स की जानकारी, कोर्स की अवधि की जानकारी देनी होगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि उसने जो कोचिंग कोर्स लिया उसके लिए पैसे दिए या मुफ्त कोर्स था। इतना ही नहीं, अगर कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापन में डिस्क्लेमर लगाते हैं तो उसका फॉन्ट साइज और विज्ञापन में इस्तेमाल हुई भाषा का फॉन्ट साइज एक जैसा होना चाहिए। डिस्क्लेमर को विज्ञापन में ऐसी जगह दी जानी चाहिए ताकि वो ठीक तरह से दिखाई दे। आपके हिसाब से सरकार की जो पहल है इससे छात्रों को कितना लाभ होगा, कितने छात्र भ्रमित होने से बचेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आपकी भी कोई राय है अगर इसके बारे में तो वो भी हमें ज़रूर लिखकर बताएं। लाइव टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ये खबरें आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचा सकें।